उत्तराखंड के उधम सिंह नगर दिनेशपुर के गांव सुंदरपुर का है, जहां 16 लाख की लागत से बने रपटा पुल को लेकर बीते दिनों ग्रामीणों के आक्रोश के बाद अधिकारियों ने इसका संज्ञान लेते हुए मौके पर पहुंचकर जायजा लिया था, लेकिन वर्तमान में कुछ दिनों से हो रही हल्की बारिश से पुल पूरी तरह डूब चुका है। ग्रामीणों का कहना है कि पुल निर्माण में धांधली हुई है और इसकी गुणवत्ता बहुत बेकार है, जिसको लेकर आज पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ग्रामीणों सहित मौके पर पहुंचे और पुल का जायजा लिया, तो पुल पानी में डूबा हुआ मिला। आपको बता दें कि ग्रामीणों को आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक महीने पहले मेरे संज्ञान में आ गया था कि सुंदरपुर जो रुद्रपुर विधानसभा का सबसे बड़ा गांव है, उसके अंदर एक रपटा पुल बन रहा है। अरे रपटा पुल कैसे कामयाब होगा, इतनी बड़ी नदी यहां से निकलती है। अरे आपको राज्य योजना के अंतर्गत एक पुल बनाना चाहिए। जब मैं विधायक था तो 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, बाद में 5 साल बीजेपी की सरकार आई मेरी विचारधारा की। उस 5 साल की सरकार में मैं राज्य योजना के अंतर्गत हर गांव के अंदर सड़कें लेके आया, क्योंकि विधानसभा बहुत उपेक्षित थी। सबसे बड़ी विधानसभा उधम सिंह नगर की जिसमें सड़कें नहीं थी। राज्य योजना के अंतर्गत मैं पहला विधायक था जिसके प्रस्ताव टाइम से गए और सारी सड़कों का निर्माण कराया। कितनी लंबी पुल बननी चाहिए और कितनी बनी है ये पुल? यहाँ से वहां तक बनना चाहिए उस छोर तक लगभग 250 मीटर। अगर ये पुल बन जाता है लगभग 2-2.5 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा और ये हमेशा के लिए पब्लिक की सुविधा हो जाएगी। बना कितना है? अभी कुछ नहीं बना है, 1 इंच भी नहीं बना है। आपके सामने है पुल, एक 8 पाइप खड़े किए थे, वो पाइप भी एक डिपार्टमेंट से आ गए, रेता यहीं से निकाला, मिट्टी यहीं से निकाली और 16 लाख रुपए की लागत से पुल बन रहा है साहब। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सुंदरपुर की जनता बहुत जागरूक है, इनको माफ नहीं करेगी। इस गांव में भारतीय जनता पार्टी का काम खड़ा किया, मोदी की विचारधारा को पल्लवित किया, पुष्पित किया, लेकिन आज क्या मोदी की विचारधारा ऐसी है? भारतीय जनता पार्टी को कलंकित करने वाले ये नेता जो 16 लाख रुपए की लागत से 8 पाइप का रपटा पुल बनाना चाहते हैं अपने क्षेत्र में, आप देखिए कितना बड़ा है एरिया है। इस एरिया के अंदर निर्माण कार्य होना चाहिए था, लेकिन मात्र 8 पाइप की लागत से पाइप से वो पुल बन रहा है रपटा पुल, जो पानी की भेंट चढ़ गया। जिनकी नीयत खराब होती है, जो भ्रष्टाचारी होते हैं, उनका यही हाल होता है। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।